हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बट मुझे आज ज़रूरी काम से मॉल जाना था क्योंकि मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना है और मैं आपको बताऊंगी आगे कि मुझे किन के लिए गिफ्ट लेना है, क्योंकि उन्हें कहीं की चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती है। वो यहाँ पे एक मॉल है, वहीं से मतलब उनको कुछ भी कपड़े वगैरह, तो मैंने सोचा कुछ कपड़े ही खरीद लूँ उनके लिए, तो उन्हें वहीं का चीज़ पसंद है, तो वहीं के कपड़े वगैरह पसंद है, तो मुझे लगा कि खरीद लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ से मैं एक दो दिन रहूँगी फिर चली जाऊँगी, तो मुझे लगा कि आज ही लेके आ जाती हूँ। तो चलिए, आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैं क्या लेने जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। बस हम लोग ऑटो से उतर गए हैं, मॉल पहुँचने वाले हैं। और सच में आज बहुत सर्दी है, मुझे नहीं पता था बाहर इतनी सर्दी है। कोहरा इतना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है। बस थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पे मॉल आ जाएगा। और दीदी और आरुष की ड्यूटी है दीदी की, वो भी लेके जा रही है। तो चलिए, बस पहुँचने वाली है मॉल, फिर मैं दिखाती हूँ मॉल में। बस पहुँचने वाली हूँ मैं। हम पहुंच गए हैं मॉल में। तो ये बाहर देखिए कितनी सारी ट्रॉली रखी हुई है, आधे अंदर रखे होते हैं, आधे बाहर रखे होते हैं। जो लोग बाहर छोड़ जाते हैं उन्हें बाहर इकट्ठा कर देते हैं। तो ये मॉल का एंट्रेंस है। और आरुष को दीदी ने उतार दिया, वो रास्ते में गोदी में लेके आ रही थी, तो मैंने बोला कि इसे उतार दो, अब चलेगा। लेकिन फिर से ये दीदी के गोद में चढ़ने के लिए कह रहा था, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर चलेगा तो चलने दो। और तो फिर यहाँ पे आ गए। मुझे एक्चुअली जूती भी एक देखनी थी, क्योंकि जो मैं जूती पहन रही हूँ वो टूट गई है, तो मुझे लगा एक जूती ले लूँगी, बट मैंने लिया नहीं था यहाँ से, क्योंकि मुझे उतनी खास नहीं लग रही थी। वाइट वाली मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कुछ और लूँगी, फिर लेट हो गया तो फिर मैंने लिया नहीं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे लेना था इसीलिए मैं यहाँ पे रुकी थी, वरना मैं यहाँ पे जाती नहीं। और कपड़े वगैरह में और स्लीपर में ना ऑफ़र बहुत ज़्यादा चल रहे थे, डिस्काउंट। ये देखिए, ये कैटवॉक का की सैंडल्स हैं, इसमें 60% डिस्काउंट चल रहा था। तो मुझे फ्लैट लेना नहीं था इसलिए मैंने सैंडल वगैरह नहीं लिया, वरने तो कैटवॉक का ब्रांड काफ़ी अच्छा है और इसके डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा कि कब जब कभी लेना होगा मुझे तो ले लूँगी। 60% ऑफ काफ़ी होता है, बहुत अच्छा था। कपड़ों में भी 50% ऑफ था, 30% ऑफ था, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो सबसे पहले मैं आरुष के लिए ही आई देखने के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों के कपड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो भी आरुष।
आरुष के लिए मैं लेने जाऊँ या ना जाऊँ, मॉल जाना है तो आरुष के कपड़े तो आने ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे अगर ऑफर में नहीं भी रहते और मुझे अच्छा लग जाता है इसके कपड़े तो मैं ले ही लेती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने इसके कपड़े लिए थे, लेकिन सर्दी के मुझे लगा कि जो अच्छे लग रहे हैं वो ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लिया बट हाँ मैंने ले लिया। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा 50% ऑफ चल रहा था, और मॉल में ना डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं, महंगा देते हैं बट ब्रांड का होता है तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज्नी का ब्रांड का कपड़ा था, स्वेटर वगैरह तो वो भी काफ़ी अच्छे थे और 50% ऑफ में थे। तो डिज्नी का मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है आरुष के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है, मी एंड मी का है वो अच्छा लगता है, और मी एंड मॉम एंड मी है वो भी अच्छा ब्रांड है बच्चों के लिए। तो मैं अधिकतर बाबू के लिए ना इन्हीं सब ब्रांड से लेती हूँ कपड़े आरुष के लिए, अपने तो कहीं से भी ले लेती हूँ। तो अभी आए हुए हैं हम हल्दीराम्स में, देख रहे होंगे ये हल्दीराम्स है, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, क्योंकि आरुष को भी भूख लग रही है, वो रो रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको भी खिलाएंगे और हम लोग भी खा लेंगे, और थोड़ी सी बस बाबू के लिए लिया है, जो भी लिया है अभी, जो मुझे लेना वो नहीं लिया, बस वो लेंगे और फिर निकलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं। यहाँ का मसाला डोसा अच्छा होता है तो हमने सोचा कि हम खा लेते हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। दीदी पर्स खोलना, ये देसी घी में बनाए ये है सांबर, ये है चटनी, और स्मेल आ रही है एकदम देसी घी में बना हुआ है, इसके स्मेल से ही पता चल रहा है। और मसाला देखो कैसा है। देखा आपने, आरुष बहुत मन से डोसा खाता है, इसीलिए मैंने डोसा ऑर्डर किया था, और उसे भूख भी लग गई थी, तो अब आराम से वो खा लेता है, जब भूख लगती है ना तो वो खाना खा लेता है। पहले तो दूध मांगता था तो दूध का बोतल साथ में लेके चलना पड़ता था, लेकिन अब वो खाना खा लेता है तो मुझे उसकी टेंशन नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के डोसा ऑर्डर किया था कि ये ना बहुत अच्छे से खा लेता है। तो सच में ये डोसा ना बहुत टेस्टी था हल्दीराम का, तो आप लोग कभी हल्दीराम जाइएगा तो वहाँ का मसाला डोसा ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी बताइएगा कि अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगता है आप लोगों को। और ये है किड्स जोन ही था पता नहीं, वही था शायद, इसमें बच्चे के लिए आप जो भी देखना चाहें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो मुझे कुछ नहीं लेना था, मुझे बस दो सॉक्स लेना था आरुष का, तो वहीं पर आई थी, तो यहीं से मैंने मी एंड मी का सॉक्स लिया,
क्योंकि वो सॉक्स मुझे अच्छा लगता है और मैं बाहर से कहीं से लेती हूँ ना तो वो निकाल देता है, निकल जाता है, तो मैंने यहीं से ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस एक दो आरुष को बॉल पसंद आई थी तो वो लिया, और कुछ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें पता होता है कि उसका प्राइस उतना नहीं है बट वो लगाते हैं, और ना यहाँ पे हम बार्गेनिंग कर सकते हैं ना कम करवा सकते हैं, तो जो ज़्यादा ज़रूरी था वही लिया मैंने, ज़्यादा कुछ यहाँ से लिया नहीं, और ना डिस्काउंट ऑफ़र कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो आरुष ने भी टॉय वगैरह नहीं उठाया, एक बॉल उठाया उसने और सॉक्स लेना था वो लिया मैंने, और कुछ नहीं लिया। मुझे लगा कि यहाँ पे अगर आरुष के लिए कोई शूज़ वगैरह पसंद आ जाए तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे शूज़ भी नहीं पसंद आया यहाँ पे, तो मैंने शूज़ भी नहीं लिया आरुष का। आरुष का शूज़ मैंने फिर जाके मी एंड मी में लिया, तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा, बहुत सिंपल सा शूज़ लिया है मैंने इसके लिए ताकि इजीली वो पहन सके, नहीं तो निकाल के फेंक देता है वो अगर उसके हाथ से हाथ में रहे तो। तो घर पे चल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। और ये देखिए आरुष ट्रॉली में कितने आराम से बैठा हुआ है, बहुत क्यूट लग रहा है, यही बॉल लिया उसने। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मॉल से तो मैं कल ही आ गई थी, सामान लेके आई थी, तो मुझे लगा मैं दिखा दूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब मॉल जाती हूँ ना तो लेने हम कुछ जाते हैं, मतलब मैं किसी काम के ले गई थी, बट आरुष के कपड़े वहाँ पे दिखते हैं तो ना कमजोरी हो जाती है मेरी, मैं वो लेके आ जाती हूँ। उसके जितने भी कपड़े दिखते, कितने सारे कपड़े ले रखे मैंने, फिर भी मुझे उसके कपड़े दिखते तो मैं लेके ही आ जाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आ गई हूँ आरुष के लिए, और ऑफ़र में भी चल रहा था इस वजह से मैंने और ले लिया, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया, ऑफ़र में भी थे और अच्छे भी लग रहे थे। ये है फर्स्ट जैकेट, ये नेक्स्ट ईयर तक भी पहन लेगा, येलो कलर का है ये, हुडीज स्टाइल में। तो ये है, और यहाँ पे पॉकेट भी है इसका। तो फर्स्ट ये, बस ये जैकेट है। सेकंड है ये जैकेट, ये भी थोड़ा बड़ा है, ग्रे कलर का है, इसमें भी पॉकेट है, और ये भी कैप वाला है। और इसका क्या था, ये जैकेट और ये पैंट ना मैच करके ले लिया मैंने, ये अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन मैंने दोनों मैच करके ले लिया ताकि ये सेट बन जाएगा। तो एक ये है और एक ये लिया है मिकी माउस का, ये डिज्नी का है, ये डिज्नी का स्वेटर है, ये बहुत प्यारा लगा मुझे, तो ये भी मैंने लिया है। वैसे इसका प्राइस 899 है, लेकिन इस पर भी 30% या 50% डिस्काउंट था, तो ये लिया है। और मैं दिखाती हूँ टी शर्ट जो लिया है मैंने, तो मैंने, लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने एक ये लिया है अपने लिए, ये मुझे अच्छा लगा, इसमें भी डिस्काउंट था 30% नहीं, इसमें 50% था। इसका टैग मैंने हटा दिया है बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये हैंडवर्क हो रखा है यहाँ पे वुलन का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया एक अपने लिए और आरुष के लिए। अब मैं दिखाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, एक्चुअली उन्हें ना टी शर्ट, जो जॉकी का टी शर्ट है वो उन्हें ज़्यादा पसंद आता, उसकी फिटिंग वगैरह उन्हें अच्छी लगती है, तो ये लिया है मैंने फुल स्लीव का जॉकी। ये इसमें वो पहले भी उनके पास है, एक वाइन कलर का और वाइट कलर का है, और एक मैंने ये देखिए ये जॉकी का ही है। तो एक ये टी शर्ट लिया है, ये नेवी ब्लू कलर में है फुल स्लीव का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक टी शर्ट मैंने ये लिया है, और सेकंड लिया है ये, वो गर्म नहीं है, वो फुल स्लीव का है, वो गर्म नहीं है, नॉर्मल टी शर्ट है, मतलब गर्मी सर्दी आप कभी भी पहन सकते हैं। और ये है वाइन कलर में, ये भी है जॉकी का, और ये गर्म है, ये गर्म है, तो ये है। और इसका कलर थोड़ा उसमें डार्क आ रहा है, उतना डार्क है नहीं, थोड़ा लाइट कलर है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक ये लिया है मैंने उनके लिए, क्योंकि उन्हें सिंपल टी शर्ट ही पसंद आते हैं, ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह होता है चाहे कलरफुल टी शर्ट नहीं उन्हें पसंद, तो सिंपल टी शर्ट ही पसंद है। तो बस यही लेके आई हूँ, और यही लेने गई थी मैं टी शर्ट, स्पेशल लेने गई थी उनके लिए, तो दो टी शर्ट उनके लिए आरुष के लिए और एक मैंने अपने लिए भी ले लिया। तो चलिए फ्रेंड्स,
आज मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड जो जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ। और आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा जो मैंने शेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।